हेलो भगवान, एंड वेलकम बैक अगेन टू डीजी गुरु वीडियोस। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अलोंग विद द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज ऑफ क्यू एंड ए। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं क्वेश्चंस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मेनी थिंग्स इफ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। सो आई वुड बी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ वीडियोज टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, चाहे वो टेक्निकल हो या चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, तो यू कैन जस्ट लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड इन कमिंग वीडियोज आई विल बी फॉर श्योर मेकिंग द आंसर, एंड जो कि आप बाद में चेक कर सकते हैं लाइक वॉट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट थिंग। And even I would be making some live video series where I would be coming live. That would be properly intimated at least a week prior so that you all can join my live video series and even ask the question live out there. So if I talk about my today's question, so the first question that I received today is from one of my students. So the basic concern of her is that she is from a non-technical background. That उसने अपने पढ़ाई में आई टी, सॉफ्टवेयर या कोडिंग इस तरह का कोई भी नॉलेज उसके पास नहीं है, राइट? सी इज फ्रॉम अ प्लेन ग्रेजुएशन। सो शी इज ट्राइंग टू आस्क कि अगर शी इज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग देन इज देयर एनी स्कोप फॉर हर, और अगर स्कोप है इन डिजिटल मार्केटिंग तो क्या स्कोप है। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग में कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज का होने का कोई ऐसा खास इम्पोर्टेंस नहीं है। यस, अगर आपको कोडिंग या इन तरह का नॉलेजेस है तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक एज अ बेनिफिट एक्ट करेगा, लाइक यू बी हैविंग अ बेनिफिट्स की व्हेन यू आर गोइंग टू द कंपनी एंड शेइंग दीज थिंग्स की आपको अलॉन्ग विद डिजिटल मार्केटिंग कोडिंग भी आता है, तो आपके लिए वो एक एज होगा। बट ऐसा नहीं है कि इफ़ आई एम नॉट हैविंग द कोडिंग नॉलेज तो मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में नहीं जा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट फील्ड्स जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज आई कैन से यू कैन अप्लाई इन ऑल द फील्ड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, चाहे वो कॉन्टेंट क्रिएशन हो, चाहे वो एडवर्ड्स हो, चाहे वो एसईओ हो। इनकेस अगर आपको जानना हो कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है और क्या क्या पढ़ाई होती है, तो यू कैन जस्ट सी द लिंक ऑफ द वीडियो विच इज़ अपियरिंग ऑन द टॉप। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं वेयर यू विल फाइंड व्हाट आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ फील्ड्स की, तो अगर सपोज कर लीजिए आपका एनालिटिक्स अच्छा लगे, यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, तो यू कैन गो फॉर एनालिटिकल फील्ड्स लाइक गूगल एनालिटिक्स हो या वेब एनालिटिक्स हो, यू कैन अप्लाई फॉर दोज फील्ड्स। अगर आपका लिखने का शौक है, लाइक यू आर गुड एट राइटिंग पोइट्रीज, यू आर गुड एट राइटिंग स्टोरीज, तो यू कैन अप्लाई फॉर द कॉन्टेंट क्रिएशन, राइट? आप मैनी पीपल कन्फ्यूज कि कॉन्टेंट क्रिएशन इज इक्वल टू कॉन्टेंट राइटिंग। कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉन्टेंट क्रिएशन आर टू लिटिल डिफरेंट फील्ड, राइट? कॉन्टेंट राइटिंग मतलब होता है कि आपको सिर्फ इन विद अ गुड इंग्लिश यू नीड टू राइट द कॉन्टेंट, बट कॉन्टेंट क्रिएशन का मतलब होता है कि यू इवन नीड टू जनरेट आइडियाज कि इफ़ आई नीड टू सेल दिस प्रोडक्ट या इफ़ आई नीड टू राइट एनीथिंग फॉर माई कस्टमर, वो क्या एक अप्रोप्रिएट या वो क्या बेस्ट तरीका होगा लिखने का। अलॉन्ग विद द कॉन्टेंट यू इवन जनरेट द वे द कॉन्टेंट शुड बी रिटन। तो इफ़ यू आर इन टू गुड आर्टिस्टिक स्किल यू कैन अप्लाई फॉर दीज स्टफ्स। अगर यू आर गुड एट एनिमेशन, लाइक कोई भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर आता है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज काइंड ऑफ कॉन्टेंट एनिमेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वीडियो एनिमेशन, राइट? नाउ सी, आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ है कि द ओनली मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट विच इज लेफ्ट इज डिजिटल मार्केटिंग। एवरी ब्रांड इज ट्राइंग टू प्रमोट देमसेल्फ थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रमोट इज थ्रू वीडियोज, राइट? इट डजंट मीन कि हर कोई वीडियो को थ्रू ही प्रमोट कर सकता है, बट देर आर मेनी वीडियो, देर आर मेनी एड्स जो कि सिर्फ टेक्स्ट एड में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो इमेज एड्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बट इफ़ आई टॉक अबाउट वीडियो, तो अभी वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी एरिया कैप्चर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो इफ यू आर गुड एट
क्रिएटिविटी या समथिंग लाइक सॉफ्टवेयर जो आपको आता है लाइक एडोब का प्रीमियर प्रो है या आफ्टर इफेक्ट्स है या इवन फिल्मोरा है. दीज आर सम ऑफ द टूल्स थ्रू विच यू कैन क्रिएट एडिट वीडियोज एंड डू स्मॉल एनिमेशन विद इन द वीडियोज. तो इफ यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ दीज स्टफ्स तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज थिंग्स. तो अगर अगर मुझे सम अप करना हो अपने स्टेटमेंट तो आई विल ओनली से दिस थिंग कि जस्ट चेक एट वॉट यू आर गुड एट. राइट, आपके हर एक स्किल्स वेर एवर यू आर गुड एट देर इज वन फील्ड ऑन विच यू कैन अप्लाई. सो यू जस्ट नीड टू थिंक वेर यू आर गुड एट एंड बेसिस ऑन दैट आई कैन सजेस्ट यू मोर बेटर. सो इफ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो ऑफ माइंड तो इवन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो और यू कैन ड्रॉप एन ई मेल टू मी. आई जस्ट गाइड यू की बेसिस ऑफ योर स्किल्स विच फील्ड यू कैन अप्लाई. एंड डोंट वरी गाइज, ऐसा नहीं है कि आई एम फ्रॉम ए बी एस सी बैकग्राउंड और बी ए मैंने किया हुआ है या मैं फाइनेंस से हूँ या मैं IT से नहीं हूँ सो मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ या एक नॉन IT पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से एक्सेल कर सकता है. तो ट्रस्ट मी, फॉर एवरी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग इज देयर. तो अलॉन्ग विथ योर ओन डोमेन इफ यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रस्ट मी यू कैन डू मच बेटर देन एनी वन एल्स हु इज इन दैट फील्ड. राइट, सो दैट वॉज द आंसर फॉर टूडेज क्वेश्चन. सो फॉर्चुनेटली देर वॉज ओनली वन क्वेश्चन विच वॉज बींग आस्क्ड बाई वन ऑफ माई वेरी ओल्ड स्टूडेंट. सो इफ यू आर अगेन हैविंग एनी क्वेश्चन और एनी डाउट्स दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी एनीथिंग सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी एड्रेसिंग टू योर क्वेरीज अलॉन्ग विद दैट इफ देर इज एनी मोर थिंग्स अबाउट टू शेयरिंग इट. सो थैंक यू एंड होप टू रिसीव अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. थैंक यू.